भारत ने साल 2022 में कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने दुश्मनों की चिंता बढ़ा दी। साल 2022 में भारत ने अपनी सेनाओं में कई ऐसे हथियारों को शामिल किया है जो चीन और पाकिस्तान के लिए काल बन गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने तवांग में चीन को धूल चटा दिया। हालांकि गौर करें तो इसके लिए भारत ने कई महीनों से तैयारी की थी। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत ने खुद को उन इलाकों में बेहद मजबूत कर लिया है जो कई सालों से कमजोर थे और दुश्मन उसका फायदा उठाया करते थे। 2022 में भारत ने अपने दूसरे विमानवाहक करियर INS विक्रांत को अपनी नौसेना में शामिल किया है। 2 सितंबर 2022 को जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया तब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो विमानवाहक पोत को खुद डिजाइन कर सकते हैं। विक्रांत का निर्माण करने के बाद भारत अब एक और बड़े एयरक्राफ्ट करियर पर विचार कर रहा है। इसी के साथ भारतीय नौसेना पनडुब्बियों के बेड़े को भी तेजी से मजबूत और अपग्रेड कर रही है। 2017 में नौसेना को 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की डिलीवरी शुरू हुई थी जो 2023 में पूरी हो जाएगी। 2022 में भारत ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए अपने विमान वाहक पोत विक्रांत के लिए फ्रांस से राफेल M विमानों को खरीदने का फैसला लिया है। भारतीय नौसेना 57 लड़ाकू विमान लेना चाहती थी लेकिन पहले लगभग 24 विमान लिए जाएंगे। इसी साल अक्टूबर में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में नए नेवल हेलीकॉप्टर प्रचंड को भी शामिल किया है। नौसेना अपने विमानवाहक युद्धपोतों पर तैनात पुराने विमानों को रिप्लेस करने वाली है। 2016 में भारत ने 36 राफेल विमानों का सौदा किया था और इस साल के अंत तक भारत को सभी 36 राफेल विमान मिल चुके हैं। भारतीय वायुसेना भी अपने बेड़े में पुराने विमानों की जगह नए विमानों को शामिल करने पर बड़ी तेजी से काम कर रही है। वायुसेना चाहती है कि तेजस मार्क 1A की डिलीवरी तेज हो जिससे कि राफेल जैसे और भी आधुनिक विमान का स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के पास हो। इसके साथ ही तेजस के मार्क 1A के बाद इसके अगले और एडवांस वर्जन के लिए भी केंद्र सरकार ने फंड रिलीज कर दिया है जिससे कि इसके निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके। भारतीय सेना का K9 वज्रतोप जिसने लद्दाख में चीन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है उसकी संख्या को सेना ने बढ़ाने का फैसला लिया है। 15 दिसंबर 2022 को भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का पहला ऐसा परीक्षण किया जो उसकी 5,500 किलोमीटर की पूरी रेंज तक हुआ। पूरी दुनिया ने रात के आसमान में भारत की उस मिसाइल को उड़ते देखा जो परमाणु हमले का जवाब देने में सक्षम है। परमाणु हमले की बात हो रही हो और भारत की उस खुफिया पनडुब्बी की बात ना हो जिसके कई परीक्षण करने के बाद भी भारत ने अब तक उसकी एक भी तस्वीर दुनिया के सामने नहीं रखी है। दरअसल भारत की इस खुफिया पनडुब्बी का नाम है INS अरिघात। इसको लेकर अब तक भारत की तरफ से कोई भी बड़ी जानकारी सामने नहीं रखी गई है। परमाणु हमले के समय भारत के पास INS अरिहंत और अरिघात जैसी पनडुब्बियां हैं जो दुश्मन को करारा जवाब देने में सक्षम है। अक्टूबर 2022 में पहली बार INS अरिहंत ने पानी के भीतर से एक परमाणु मिसाइल दागी और इस टेस्ट को भारत ने दुनिया को दिखाया। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि 2022 में भारत के द्वारा लिए गए फैसलों से भारत की स्थिति पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत होने वाली है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।